स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हीरो ने अपनी न्यू टू व्हीलर 125 सीसी सेगमेंट की स्कूटर लॉन्च कर दी है और इस स्कूटर का नाम हीरो ने डेस्टिनी के नाम पर लॉन्च किया है। आज की वीडियो में हम इस स्कूटर के बारे में बात करेंगे और इसके फीचर्स और इसमें क्या नया है वो भी आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस टू व्हीलर स्कूटर की एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं और दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इसके रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये न्यू हीरो डेस्टिनी की एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। ये फ्रंट से आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की है। ये हीरो डेस्टिनी का VX वेरिएंट है। आपको हीरो डेस्टिनी में ये न्यू क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलेगी। ये फ्रंट में आप देख सकते हैं जो काफ़ी स्टाइलिश लुक देती है। हीरो ने इस बार इंडिकेटर लाइट्स हीरो डेस्टिनी में नीचे ही दी है। ये भी कुछ इस टाइप के काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रही है और आपको यहाँ पर एयर वेंट भी आपको नॉर्मल मिल जाएंगे। आपको इसमें क्रोम फिनिशिंग यहाँ पर नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको हेडलाइट हैलोजन बल्ब मिल जाएगा जो भी काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रहा है। हीरो डेस्टिनी में आप साइड से कुछ देख सकते हैं कुछ आपको इस टाइप का लुक मिल जाएगा। इसमें आपको 3D लोगो मिल जाएगा हीरो डेस्टिनी 125 और यहाँ पर भी क्रोम गार्निशिंग मिल जाएगी आपको जो काफ़ी स्टाइलिश लुक देती है और इसके आपको कुछ लेग पैड इस टाइप के मिल जाएंगे। आप इसके कुछ साइलेंसर को भी देख सकते हैं इस टाइप का है। यहाँ पर आपको हीट गार्ड भी मिल जाएगा जो आपको फाइबर का मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो के न्यू डेस्टिनी में काफ़ी यूनिक साइलेंसर दिया गया। ये काफ़ी बाइक की लुक्स टाइप देता है। ये आप एक बार इसे भी ज़रूर देखना। और अब हम इस स्कूटर के बैक की बात कर लेते हैं। आपको बैक में इसमें LED लाइट नहीं मिलेगी। आपको इसमें नॉर्मल बैक लाइट मिल रही है और साथ में ये दो मिलेंगे कुछ इस टाइप के इंडिकेटर जो काफ़ी बढ़िया लुक दे रहे हैं। और इसमें आपको फ्यूल फिलिंग भी बाहर से ही मिल जाएगी और इसकी मैं आपको एक और स्पेशल फीचर बताऊंगा कुछ वीडियो के आगे। आप इस साइड से भी एक बार लुक देख लो इस स्कूटरी का। यहाँ से भी आपको सेम 3D लोगो मिल जाएगा और इसका इंजन आपको कलर्ड ब्लैक कलर में मिलेगा। दोस्तों अब ये न्यू हीरो डेस्टिनी के आप लॉक को देख सकते हैं। इसमें आपको कॉम्बिनेशन लॉक सिस्टम मिल जाएगा जिससे आपको सीट और फ्यूल जो फ्यूल का कैप है वो भी आप यहीं से खोल सकते हैं। ये किस टाइप खोलेंगे हम आपको बाद में बताएंगे और आपको इसका कुछ मीटर लुक इस टाइप मिल जाएगा एनालॉग प्लस डिजिटल। इसके फीचर्स भी आपको हम बताएंगे वीडियो में आगे जाकर। दोस्तों इसके आप टायर्स देख सकते हैं कुछ आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे इस टाइप के जो काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रहे हैं। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम हीरो डेस्टिनी के इंजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक इंजन का इसका लुक देख लो। आप देख सकते हैं आपको हीरो डेस्टिनी में कुछ इस टाइप का कलर्ड इंजन मिल जाएगा। इसके इंजन की बात करें इसमें आपको 125 सीसी का हैवी ड्यूटी इंजन मिलेगा जो 4-स्ट्रोक इंजन है जिसकी BHP 8.7 है। ये काफ़ी बढ़िया इंजन है हीरो की तरफ से। ये आपको i3S टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाएगा। ये i3S टेक्नोलॉजी क्या है ये भी हम वीडियो की आगे में आपको बताएंगे। ये इंजन इसका कुछ इसी टाइप का है।
तो दोस्तों अब हम इस हीरो न्यू डेस्टिनी की हम बात कर लेते हैं i3s फीचर की। ये न्यू i3s फीचर फर्स्ट स्कूटरी है जिसमें आपको मिलेगा, ये सिर्फ हीरो के न्यू डेस्टिनी में ही आपको मिलेगा। ये i3s फीचर कुछ इस तरह काम करता है, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे ये 30 सेकंड्स लेगी ये अपने इंजन के ऑप्टिमम स्टेट में आने में, रनिंग स्टेट में आने में, फिर उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगी। और उसके बाद फिर जैसे आप किसी यार दोस्त के पास खड़े हो जाते हो या हैवी ट्रैफिक में आप फंस जाते हो, ये अपने आप 5 सेकंड में बंद हो जाएगी। उसके बाद ये किस टाइप स्टार्ट होगी आपको मेरा दोस्त बताएगा। ये भी हमने स्टार्ट की है, 30 सेकंड्स ले रही है बंद होने में। जब कुछ ही टाइम में ये अब बंद हो जाएगी, फिर हम आपको बताएंगे ये कैसे स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं बंद हो गई है। अब ये किस टाइप स्टार्ट होगी आप मेरा फ्रेंड दिखाएगा। सबसे पहले तो हमने ब्रेक दबानी है, फिर उसके बाद ओनली एक्सीलेटर पे हमने थ्रोटल दबाना है, उसके बाद अपने आप ये स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये 5 सेकंड में अब फिर से बंद हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं बंद हो गई है, अब फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसी टाइप। ये है न्यू हीरो डेस्टिनी का i3s फीचर। i3s की फुल फॉर्म है इडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। दोस्तों अब हम इस न्यू हीरो डेस्टिनी के फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फीचर्स में इसके बाद हम मीटर की बात कर लेते हैं। इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर मिल जाएगा जो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर आपको दो ट्रिप मीटर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टोटल मीटर मिल जाएगा ऊपर और नीचे, जो आप अभी अभी जैसे ट्रिप करेंगे वो मिल जाएगा। इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं 1 सेकंड दबाकर। ये देखिए ज़ीरो हो गया ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी न्यू फीचर है। यहाँ पर आपको हमने i3s के बारे में तो बता दिया है, एक और आपको इधर फीचर मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टैंड मीटर भी, स्टैंड आइकन भी मिल जाएगा। जब स्टैंड आपका नीचे होगा तब ये लाइट ब्लिंक करेगी। इसमें आपको पास का ऑप्शन भी मिल जाएगा, इसकी आप लाइट देख सकते हैं सामने। ये कुछ इस टाइप। दोस्तों अब हम न्यू हीरो डेस्टिनी के कॉम्बिनेशन लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन लॉक के बारे में मेरा दोस्त बताएगा, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप वर्क करता है। अगर आपने सीट ओपन करनी है तो कुछ इस टाइप टक्की आवाज आएगी, यहीं से सीट ओपन हो जाएगी। इसकी हम सीट की बात करें, इसमें आपको 18 लीटर की स्टोरेज और 10 केजी की स्टोरेज मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बूट लाइट भी मिल जाएगी और आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ इस टाइप, यहाँ पर आपने USB लगानी है तो आपका फ़ोन भी चार्ज हो सकता है। ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है हीरो का, आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको चार्ज भी हो रहा है। ये चार्जिंग हो रही है। और अब हम इसकी बात कर लेते कॉम्बिनेशन लॉक की, और भी कुछ आगे नए फीचर्स। इसकी सीट हम बंद कर लेते हैं, इसकी सीट बंद हो, अगर हमने फ्यूल कैप ओपन कर दी वो भी यहीं से ओपन हो जाएगी, कुछ इस टाइप। अब देख सकते हैं फ्यूल कैप ओपन होगी। आपका आपको एक और फीचर इसका बताता हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूल कैप एक फिर से ओपन करो, जैसे कि ओपन है। अब हम जैसे अगर आपकी गलती से ओपन रह जाए फ्यूल कैप, अगर आप भूल जाएंगे तो ये ऐसे साइरन की आवाज़ आएगी। ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है हीरो डेस्टिनी का। दोस्तों आपको न्यू हीरो डेस्टिनी में यहाँ पर चौक भी मिल जाएगा, जिससे आपको कोल्ड कंडीशन में अगर स्टार्टिंग नहीं होगी तो आप इसे ऑन करके स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ इस टाइप के दो हुक मिल जाएंगे। यहाँ पर नीचे फ्लेक्सिबल हुक है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ ऊपर वाले की 3 kg है, आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको 1.5 kg तक मिल जाएगा। इसकी अगर आप यहाँ पर भी बात कर ले जगह की, आपको वो भी काफ़ी बढ़िया जगह मिल जाएगी। देख सकते हैं मेरा पैर काफ़ी बड़ा है, फिर भी इधर आराम से आ जाता है पैर। पीछे भी आपको जगह मिल जाएगी, पीछे जगह रखने को काफ़ी बढ़िया है पैरों में। थोड़ा से दिखाओ, आप देख सकते हैं काफ़ी मेरी हाइट ज़्यादा है, फिर भी मैं आराम से इस पर बैठा हूँ। और आप ये पिलियन के लिए भी काफ़ी बढ़िया है फीचर, ये पिलियन के लिए फुट रेस्ट मिल जाएगा आपको। दोस्तों इसमें न्यू हुक मिल जाएगा जो एक हेलमेट हुक है, ये भी आपको न्यू फीचर है। यहाँ पर अपने आप हेलमेट को लटका सकते हैं, दोनों तरफ आपको यहाँ पे दो हेलमेट आप लगा सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। बूट स्टोरेज एक बार फिर से देख लो, आपको वैसे तो हम दिखा चुके 18 लीटर की बूट स्टोरेज है। और आपको एक और फीचर इसमें ये है, ये लाइट का फीचर है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप।
देख सकते हैं लाइट यहाँ पे जलेगी आपको अंधेरे में, और आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम न्यू हीरो डेस्टिनी की शॉकर्स की बात कर लेते हैं। इसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं जो एक बाइक में लगे होते हैं। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन मिल रहे हैं, ये सिर्फ बाइक्स में आपको इस टाइप के मिलेंगे। इसमें एक और सेफ्टी फीचर आपको मिल रहा है, इसमें आपको ये साइड इंडिकेटर मिल रहा है यहाँ पर। इसका ये फ़ायदा है जैसे कोल्ड कंडीशन में या फॉगी कंडीशन में अगर दूर कहीं आपकी स्कूटरी खड़ी है तो दूर से अगर किसी की लाइट पड़ेगी तो ये दिखेगी उसे, ये शो होगी, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इसके बैक सस्पेंशन की बात करें, इसमें आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। वो दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है, वो आपने पहले ही इसकी माइस्ट्रो जैसी स्कूटरी इसमें देखे ही होंगे, वो काफ़ी नीचे लगे होते हैं। ये तो बात होगी सस्पेंशन की, अब हम इसकी बात करेंगे हाइट वेट चेसिस डाइमेंशंस की बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस स्कूटरी की लेंथ की बात करें, इसमें आपको 1809 मिलीमीटर की लेंथ मिल जाएगी। इस स्कूटरी की विड्थ की बात करें तो इसमें आपको 729 मिलीमीटर की विड्थ मिल जाएगी, और हाइट की बात करें आपको 1154 मिलीमीटर की हाइट मिल जाएगी। और व्हील बेस की अगर हम बात करें, इसमें आपको 1245 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल जाएगा जो एलॉय व्हील्स के साथ आपको मिल रहा है। और इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, इसको आपको 155 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है जो काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों हम न्यू हीरो डेस्टिनी की वेट की बात करें तो इसका आपको वेट मिल जाएगा 111 किलो का, जो काफ़ी लाइट वेट है, आप एक बार ज़रूर चेक करना। दोस्तों इसमें आपको हीरो डेस्टिनी में एक और न्यू फीचर मिल रहा है, इसकी आप सीट देख सकते हैं, एंटी स्किड सीट मिलेगी आपको और साथ में मल्टी कलर्ड है। और इसके आप नीचे देख सकते हैं मैट भी, वो भी आपको एंटी स्किड मिलेगा। आपको इसका हम बता देते हैं मतलब क्या है, जैसे कि रेनी कंडीशन या यहाँ पर आपको वेट जैसे होगा तो आप फिसलेंगे नहीं, ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की सीट है। और यहाँ पर भी अगर आप रखेंगे पैर आप फिसलेंगे नहीं, कुछ इस टाइप आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको न्यू हीरो डेस्टिनी के सभी फीचर्स और क्या न्यू मिला है आपको मैं बता चुका हूँ। और इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये आपको 54,350 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस इन पंजाब है। और इसकी अगर हम माइलेज की बात करें, अभी ये क्लियर नहीं है माइलेज, क्योंकि ये न्यू स्कूटरी है, इसकी माइलेज जैसे जैसे ये बिकेगी वैसे वैसे पता चलेगा। ये मेरे फ्रेंड ने ली थी तो मैंने आपको बता दी है एक तरह से। और दोस्तों अगर आप साइंस के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट और न्यू न्यू लेटेस्ट साइंटिफिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे फ्रेंड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके चैनल का नाम है टीजेड क्रूज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अभी इधर ही ख़त्म होती है। ये आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अब ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।